बंधुगण देखो 2+3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स स्कोर 8 बा हमर रही बीएओडी 8 रही तो बीएओडी 8 रु आमको क्वेश्चन कौन पचार ब्लॉक मानु तो पचार लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप संपर्क में बहुत ही इम्पोर्टाट अटे मन रख बहुत ही इम्पोर्टाट ठीक अच्छे यही आमको सर्ट क्वेश्चन भी तो पचार सर्ट क्वेश्चन केमी पचार लोक साहित्य क्या कहुए लोक साहित्य को कैसे भाग विभक्त कर लोक साहित्यर वैशिष्ट संस्कृति शब्द क्यों शब्दर आसी ठीक अच्छे कुंज विहारी दास अवदान कौन कौन लोक साहित्य क्षेत्र में पचार तो लोक संस्कृति क्या कहुए आमको पचार सर्ट क्वेश्चन तो यही जिनस को आम टे कम्प्लीट कर बर्तमान किसी इम्पोर्टाट जिनस ठीक अच्छे चलो डेरी न करके आम आरंभ करवा जदि आमको क्वेश्चन पचार लोक संस्कृति संज्ञा और स्वरूप संपर्क ताहले आम मैंने कौन करवा लोक संस्कृति अति प्राचीन कालर समाज में प्रचलित प्रथा परंपरा विश्वास आमोद प्रमोद लोकोक्ति आदि को बुझाई थे ठीक अच्छे तापर हेडिंग देदेव सब हेडिंग देदेव लोक संस्कृतिर अर्थ एक निर्दिष्ट अंचल बसवास करुवा साधारण लोकंर पारंपरिक धर्म पर्वपर्वाणी रीतिनीति कला विश्वास जहाँ प्राचीन कालर अपरिवर्तित भाव आदृत हो आसुची ताकू लोक संस्कृति भाव ग्रहण करा जाए थे। तो उदाहरण जदि हम देखिबा आधुनिक विज्ञान विश्वास कहानी रोग मृत्यु विषयक माछधरा गोपालन गीत नृत्य प्रवाद प्रवचन और पिला भुलाणी गीत ठीक अच्छे तापर कौन कर मानव जातिर ही लोक संस्कृतिर उद्भव ठीक अच्छे मानव जातिर ही लोक संस्कृतिर उद्भव तो आदिम कालर पीढ़ी पीढ़ी धरी यह मनीषर मौखिक और आचरण प्रक्रिया द्वारा निर्वच्छिन्न भाव में गति करसुची लोक संस्कृति ठीक लोकतंत्र परी लोक मान द्वारा लोक मानकर लोक मानी ठीक अच्छे आदिम मनीषर जीवन धारण पर रही विभिन्न आवश्यकता को दृष्टि रखी लोक संस्कृति ये गठित होती तेणु आदिम लोक जीवन ही लोक संस्कृतिर मूल आधार आमको क्वेश्चन कौन पचार लोक संस्कृतिर मूल आधार कौन ताल कौन कर आदिम लोक जीवन ही लोक संस्कृतिर मूल आधार भूमि कर ठीक अच्छे तापर लोक संस्कृति संज्ञा तो लोक संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द मन रख फोल्क कल्चर होते व्यवहारिक सार्थकता दृष्टि रखी यह फोल्क लोर भाव कर ठीक अच्छे मनीष समाज में प्रचलित मौखिक परंपरा विश्वास धर्माचार व्यवहार चलनी आदि प्राचीन समय पॉपुलर एंटीक्विटीज भाव में थिला तो 1846 जॉन विलियम थॉमस कौन कहते जॉन विलियम थॉमस ये सब कु फोल्कलोर भाव में ग्रहण करने को गोटे प्रस्ताव देते जहाँकि परवर्ती समय रे पंडित मान द्वारा यहाँ ग्रहण होता और से ही दिन ठार् फोल्कलोर भाव में हो आसुअी ठीक अच्छे तो आउ विभिन्न गवेषक मैंने मत दे मन रख हर्स्कोविट्स मतरे हर्स्कोविट्स मतरे लोक संस्कृति कहले कौन अशिक्षित समाज में प्रचलित मिथ कहानी लोकोक्ति गीत और संगीत समेत संस्कृतिर सौंदर्य विधायक कला समूह फोल्कलोर अटे बोली सेमिति स्टीथ थॉमसन कौन कहते स्टीथ थॉमसन कहते जे अलिखित परंपरा जहाँकि लोक पाखर लोक निकट को हस्तांतरित हो श्रुति बा प्रयोग द्वारा संरक्षित होता है ता हूँ लोक फोल्कलोर बोली लोक संस्कृति ठीक अच्छे ताहले डॉक्टर स्वतंत्र कौन कहते डॉक्टर स्वतंत्र लोकर अभिव्यक्ति भित्तिर लोकर अभिव्यक्ति भितर जो तत्व रही थे ताकि लोक संस्कृति तापर एके रामानुजन कौन कहते लोक संस्कृति हूँ अशिक्षित गोष्ठी और संस्कृतिर प्रतीकात्मक भाषा कर ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन पचारे लोक संस्कृतिर संज्ञा निर्धारण तापर एमती लिख ठीक अच्छे तेल गोटे पाराग्राफ लिख संज्ञा देलापर कौन लिख लोक संस्कृतिर संज्ञा निर्धारण करिवारे जो भारतीय विद्वान गणकर भूमिका उल्लेखयोग्य से माने होचंती डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक अच्छे तापर देवेंद्रनाथ सत्यार्थी कृष्णदेव शर्मा डॉक्टर बिरंची कुमार बरुआ सुनीति कुमार चटर्जी कुंज बिहारी दास यही मानकर लोक संस्कृतिर परिभाषा को गोटे नूतन दिगंत देछि
मानव समाज रे प्रचलित लोक विश्वास चालीचलन खाद्यपेय पर्वपर्वाणी प्रथा संस्कार अंधविश्वास गुणीगायड़ी वेश पोशाक नृत्य गीत आदि होउछि लोक संस्कृति अंतर्गत इटा लोक संस्कृति रे रहिछि। तो लोक संस्कृतिर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन? मुख्य लक्षण गुड़िक होउछि लोक संस्कृति आदिम जुगरु प्रचलित साधारण जनतांक संस्कृति अटे। यह अकृत्रिम सहज तथा सरलता प्रधान श्रम और प्रेम होउछि यार मुख्य तत्व। ठीक अच्छे, तो एबे हमें देखिबा लोक संस्कृतिर स्वरूप। ठीक अच्छे, लोक संस्कृतिर स्वरूप अनुध्यान कले जणा जाय जे मुख्यतः तीनोटी स्वरूप एथिरे प्रकटित होइथे। गोटे होचे लोकर मान स्वरूप, लोकर कार्य रूप, लोकर अभिव्यक्ति रूप। तो ए तीनिटी को भित्ति करी लोक संस्कृतिर स्वरूप को निर्णय करा जाय पारिबो। तो प्रथमे रहिछि मानस रूप। ठीक अच्छे, लोकर मानस रूप। तो प्राचीन कालरु मनीषर मन भितरे रहिथिबा विश्वास, भय, क्रोध, लोभ, आनंद, दुख एई गुड़िक प्रवृत्ति गुड़िक प्रकाश सबको लोकंकर मानस रूप भाव ग्रहण करा जाय पारिबो। तापरे आमर रहिछि कार्य रूप। ठीक अच्छे, लोकर कार्य रूप। तो लोकर सब प्रकार आचरण क्रियाकलाप आचार व्यवहार ऋतुकालीन क्रियाकर्म कृषि संपर्कीय क्रियाकर्म वैश्विक वस्तु निर्माण प्रक्रिया औषधीय उपचार इत्यादि को एक कार्य रूप इ श्रेणी में रखा जाय पारिबो। ठीक अच्छे, आ मन रखिबो लोकर पारिवारिक सामाजिक वैश्विक विश्वास भित्तिक निर्माण कौशल आधारित पारंपरिक अनुभव रु लोक संस्कृतिर कार्य रूप प्रकाश पाइथाय। ठीक अच्छे, तापर रही लोकर अभिव्यक्ति रूप। कौन रही अभिव्यक्ति रूप? तो एथिरे कौन करिबो व्यक्ति बा समूह निजर सामाजिक दायित्व कर्तव्य आवश्यकता इत्यादि को विभिन्न भाव व्यक्त करिथाय। जेमिती कि गृह निर्माण, घरे उपकरण, कृषि उपकरण, शिकार उपकरण तयारी करिबा, खाद्य प्रस्तुत करिबा, वेश पोशाक तयारी करिबा इत्यादि। सेहीपरी भाषा माध्यम रे व्यक्ति गत सामूहिक बा सामाजिक आवश्यकता दृष्टि करा जाउथेबा अभिव्यक्ति को एठा ग्रहण करा जाय पाइबो। मने रखिबो मनीषर सामूहिक ओ व्यक्तिगत प्रयास को दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे। गोटे होचे शारीरिक आ गोटे वाचनिक। तो शारीरिक उद्यम रु नृत्य, वाद्यजंत्र, चित्रकला, स्थापत्य कला इत्यादि रो सृष्टि संभव होइथे। ठीक सेहीपरी वाचनिक क्रिया रु लोकगीत, लोकगाथा, लोककृति, लोकगाथा इत्यादि सृष्टि होइथाय। जदि हम देखिबा उभय वाचनिक क्रिया आ शारीरिक, ठीक अछि वाचनिक आ शारीरिक उभय मिश्रण रे लोकनाट आ परवर्ती समय रे नाटक रो सृष्टि होइथिला। ठीक अछि, ई जिनिस को मन रखिबो। आ सबुठारु लास्ट रो छोटे छोटो पैराग्राफ रे कोन लिखिबो, सबुठारु लास्ट रे लिखिबो लोक संस्कृति को कोनोसी एकक विषय रे कौनसी एकक विषय भाव ग्रहण करा जाए ना। यह गोटे बहु विषय को अध्ययन नृविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञान इत्यादि विषय सहित संपर्कित कर। ठीक अच्छे, तो लंग क्वेश्चन पचारे यही टाइप रखे। ठीक अच्छे, भिडियोटी कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानव। आहरी किसी सर्ट क्वेश्चन करवा चलो किसी सर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टाट जिनस करवा। जदि क्वेश्चन दिजाव लोक शब्दर अर्थ कौन ताल कौन कर लोक शब्दर अर्थ कौन? लोक शब्द अर्थ बहुत रही। ठीक अच्छे, व्यापक साधारण जनता को ही इटा बुझाई थाए। ठीक अच्छे, लोक कहले साधारण जनता को ही बुझाई थाए। आदिवासी संप्रदाय कंध होगला क्लोल गंड परजा गदवा भूया एमती रही आदिवासी मान आरंभ कर पल्ली और नगर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता को लोक बोली कहुए। ठीक अच्छे, लोक कहले कौन जाणीगल ए लोक संस्कृति अर्थ कौन पचारे? लोक संस्कृति कहले कौन? संस्कृति सामाजिक जीवन व्यक्तित्व को मार्जित आ श्रृंखलित कै मानविक गुण को महनीय कै
साधारण अर्थरे संस्कृति कहिले संगीत स्थापत्य कला बौद्धिकता आदि विकास लाभ करिथिबा एक विशेष धरणर समृद्धि को चिन्हित करिथाय। यहा व्यतीत लोकमानंक प्रचलित विश्वास व्यवहार चालीचलन न्याय नीति आउ धर्म को भी बुझाइथे। सामाजिक गुणावली को ही संस्कृति बोली कह जाए ठीक अच्छे लोक संस्कृति बोली कह जाए सामाजिक गुणावली को ही ठीक अच्छे किसी टेनसन ने दरकार ना सर्टकट जदि आम कह सामाजिक गुणावली को ही लोक संस्कृति बोली कह जाए तो बुझीगल लोक संस्कृति कहले कौन आम को क्वेश्चन पचार लोक साहित्य को केते भाग विभक्त कर लोक साहित्य साधारणत विषय विन्यास दृष्टि लोक साहित्य को दुई भाग विभक्त कर किंतु सुविधा दृष्टि लोक साहित्य को तीन भाग विभक्त कर सुविधा दृष्टि गोटे हूँ पद्य गद्य नाटक लोककथा ठीक अच्छे। जदि आम देखा पद्यात्मक लोक साहित्य कौन देखा मिलता है तारे कौन कह तारुण्य गीतिका रजदोली गीत बउला गाई गीत कृषि वाणिज्य कलसा मंगला गीत देखा मिलता है ठीक अच्छे। आमको क्वेश्चन पचार जे नटवर सामंत राय लोक साहित्य वैशिष्ट संपर्क कौन कही पचार कौन कह नटवर सामंत राय लोक साहित्य वैशिष्ट संपर्क सात गोटी मत प्रदान करगुड़िक पल्ली प्राणता पल्ली जीवन परिपूर्ण विकास तापर मौखिक प्रवाह एकक सामूहिक आवृत्ति तापर रचयिता नामहीनता तापर संगीतर मधुर मोचना विषय वस्तुर धर्महीनता ठीक अच्छे। तो अग्निपुराण लोक शब्द पर कौन कह जा तो यहाँ एत इम्पोर्टा नुहे मन रखिबो केवल एथिरे जदि आम देखा आयुर्वेद शास्त्र लोक शब्द संपर्क कौन कह जा ताहले कौन कर आयुर्वेद शास्त्र अनुसार लोक शब्द को संयोग पेशी लोकर उत्पत्ति बुद्धि वियोग आदि कारण चतुष्टय भाव एमती ग्रहण करापे आमको क्वेश्चन पचार लोक साहित्य संपर्क रवींद्रनाथ कौन कही कौन कर जो साहित्य लोकग्राह्य ता ही लोक साहित्य कही गद्यात्मक लोक साहित्य कहले कौन पचार तो लोकचित्तर विस्मय भय विजय जय नूतन पुरातन अभिज्ञता पर्यटनकालीन घटना विश्वास अविश्वास थट्टा टापरा कहानी जो रही थाए ताकू गद्यात्मक लोक साहित्य बोली कह जाए। आमको क्वेश्चन पचार जे संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द कौन कल्चर करदेव कल्चर तापर इ बी टॉयलर कौन कही संस्कृतिर संज्ञा देवाक जाए कौन कही ये इम्पोर्टाट नुहे ताल भी देखीद कल्चर इज सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एंथ्रोग्राफिक सेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इनक्लूड्स नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल्स लॉ कस्टम एंड एनी अदर कैपेसिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी ठीक अच्छे। बहुत ही इम्पोर्टेंट तापर आमको क्वेश्चन कौन पचार आमको क्वेश्चन पचार लोक साहित्यर अन्य नाम कौन पचार कौन पचार लोक साहित्यर अन्य नाम कौन ताहले कौन कर लोक साहित्यर अन्य नाम हूँ जन साहित्य ठीक अच्छे। तापर फोल्क शब्द को प्रथम किए व्यवहार करते पचार किए कह हेरडर सर्वप्रथम व्यापक अर्थ फोल्क को व्यवहार करते ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन पचार लोक साहित्य और विधौत साहित्य मध्य पार्थक्य कौन पचार पार्थक्य ताहले कौन कर लोक साहित्य प्राकृतिक सुषमा पंडित अरण्य सदृश प्रत्यय मान होता बेले विधग्ध साहित्य कृत्रिम सुशोधित एक उपवन रहा परिणत हुए ठीक अच्छे। किए व्यक्तित्व को मार्जित और मानविक गुण को मोहनीय करें तो संस्कृति कर कल्चर ठीक अच्छे। शिशु जिते प्राचीन लोक साहित्य से प्राचीन किए रवींद्रनाथ कर ठीक अच्छे। तो लोक साहित्य संपर्क में बर्णे कौन कहते समाज तत्वविद बर्णे ओराल बा मौलिक शब्द को लोक साहित्य कला अर्थ से व्यवहार से ग्रहण करते तो लोक साहित्य कौन देखा मिले सरल पल्ली जीवन निच्छक प्रतिच्छवि लोक साहित्य देखा मिली थाएर गौरांग चरण दास कौन कही लोक साहित्य संपर्क कौन कर समाज प्रत्येक श्रेणी रुचि आदर्शर मनीष मान जहाँ भल लगे से मानक
चेतना को जहाँ अभिभूत करे जहाँ भितरे सेमानंको अपना अपना मूर्ति को खोजी पाती ताहा ही सेमानंको साहित्य कला संगीत एवं बृहत्तर परिभाषा जीवन बेदर उद्गान लोकवेद तापरे कौन करिबो लोक साहित्य और विदग्ध साहित्य संपर्क में गोपाल चंद्र प्रहराज मत कौन ताले कौन करिबो कौन कही लोक साहित्य और विदग्ध साहित्य परस्पर परिपूरक लोक साहित्य गोटे विराट बटद्रुम हेले विदग्ध साहित्य तार शाखा प्रशाखा आउ डालपत्र पी ठीक अच्छे तापर इम्पोर्टेंट आ कौन कौन रही भगवान पंडा कौन कही लोक संपर्क कौन कही लोक गोटे लक्षणार्थक पद व्यक्ति जनसमुदाय भूखंड इत्यादि यार अभिधानिक अर्थ किंतु पारिभाषिक अर्थ यार संज्ञा संपूर्ण स्वतंत्र यार तात्पर्य केवल जनसमुदाय नुहे गोटे प्राचीन पारंपरिक प्रथा विश्वसनिष्ठ आंतसमृद्ध संपूर्ण जनसमुदाय ही निर्देश करे आधुनिक बा प्रगतिशील वा व्यक्ति स्वतंत्रवादी गोष्ठी सन्दर्भ यह अप्रजुज्य ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस यहीटा तो वर्तमान किसी आउ किसी इम्पोर्टेंट जिनस को आम देखा आ ब्लॉक टू रु आमको क्वेश्चन कौन पचार ब्लॉक टू रु क्वेश्चन पचार बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकगीतर संज्ञा स्वरूप संपर्क पचार कि ना पचार लोकगीतर वैशिष्ट सर्ट क्वेश्चन पचार लोकगीतर प्रकार भेद संपर्क पचार ठीक अच्छे लोकगीतर समाज चित्र केमती होमती पचार सर्ट क्वेश्चन देख सर्ट क्वेश्चन भी देखे दौर ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे आमको क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन पचार जे लोकगीत ठीक अच्छे लोकगीत गुड़ी विषय दृष्टि के भाग विभक्त करा ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन देख देखु क्यों गीत गुड़िक नारी जीवनमूलक गीतर अंतर्भुक्त तापर पचार लोकगीत संपर्क में डॉक्टर आदिकंद साहू कौन कही लोकगीतर पांच गोटी वैशिष्ट कृषक गीत कांदा गीत शिशु गीत क्यों गीत कर्ममूलक गीत चकुलिया पंडा गीत यही टाइप आमको क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे तो ये जिनस को बर्तमान कम्प्लीट करवा लोकगीत बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे प्रथम हेडिंग देदेव लोकगीत ठीक अच्छे लोकगीत कहले कौन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पर्वपर्वाणी करा जाए थे। तो मन रख लोकगीत कहले कौन ठीक अच्छे समग्र संसार गोटे गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक परिसर मध्य साधारण लोक जीवन रे जो संगीत गुड़िक गान करा जाए थाए ताकु कौन कह जाए लोकगीत बोली कह जाए तो लोक लोक माने तांको जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र रे एही गीत गुड़िक गान करी थांती ठीक अच्छे जेकोसी समय रे भी गान करी थांती ताको ही कौन कह जाए लोक गीत बोली कह जाए तो लोकगीतर संज्ञा संपर्क जदि आम देखा लोकगीत हेउची गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक परिवेष्टनीर लोक जीवन अमूल्य संपद तो जदि आम देखा लोक साधारण लोक विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी पालन करने समय कि जानी जात्रा सामाजिक अनुष्ठान करवा समय गीत गान कही था हूँ लोकगीत ठीक अच्छे यार रचयिता अज्ञात आमको क्वेश्चन कौन पचारे ना लोकगीतर स्रष्टा किए पचार कौन कर साधारण जनता मान ही लोक लोकगीतर स्रष्टा ठीक अच्छे ये लेखा आसी देख लोक लोकगीतर रचयिता किए अज्ञात ठीक अच्छे जेकोसी मुहूर्त जेकोसी बालक बालिका किशोर किशोरी युवक युवती प्रौढ़ प्रौढ़ा वृद्ध वृद्धार मनरे जो भावना सृष्टि होता है गीत मध्यम स्वतःस्फूर्त भाव गान करुंड तुंड को प्रवर्ती परवर्ती पीढ़ी लोक मन भितर संचित हो रही थाए लोकगीत ठीक अच्छे लोकगीत कहले कौन बुझीगल तो बर्तमान आम देखा लोकगीतर संज्ञा संपर्क ठीक अच्छे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे आमको क्वेश्चन कौन पचार डॉक्टर कुंज बिहारी दास कौन कही लोकगीत संपर्क कौन कर डॉक्टर कुंज बिहारी दास आमको सर्ट क्वेश्चन भी पचार यहाँ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे।
ठीक अच्छे कौन कही लोकगीत जीवन रसर प्राचुर्य भरपूर लोक साधारण कल्पना विलासी नुहंती बास्तवतार पुजारी से माने आमरण बास्तव जीवन जीवन संस्पर्शे आसती कल्पना विलास जीवन बीतवाक अवसर कहीं बहु गीत संघर्ष प्रतीक रूपे सृष्टि होती कुंज बिहारी दास। ठीक अच्छे तो ये जिनस को मन रख बहुत ही इम्पोर्टाट अटे जो जिनस इम्पोर्टाट अटे ताकू ही देखा जोटा दरकार ना ताकू आम देखा ना आमको आ क्वेश्चन कौन पचार आमको क्वेश्चन पचार चक्रधर महापात्र कौन मत दे पचार कि ना लोकगीत संपर्क कौन कर ये क्वेश्चन थे पचार ठीक अच्छे थे पचार तो बहुत ही इम्पोर्टाट अटे जो गीत मान ए मुखे मुखे रही आसी जिते बिल ग्रंथ भाव परिचित होवार सुजोग लाभ करना बा कौन सी व्यक्ति द्वारा कि अज्ञात कोण रे सृष्टि लाभ कर तार विचक्षण मोह करे से जनसमाज कोणे कोणे प्रचारित तो हो सार्वजनीन हो पारी से मानक ही ग्राम गीत बा लोकगीत कहुए बोली कहते किए चक्रधर महापात्र कर ठीक अच्छे एमती कही तापर आमको क्वेश्चन कौन पचार डॉक्टर आदिकंद साहू आदिकंद साहू कौन कही लोकगीत संपर्क लोकगीत जीवन अस्त्यार्थक विश्वास और कल्पनार रूप ता वैराग्य संगीत नुहे आसक्त संसारी अशक्त संसारी दुख अच्छी दैन्य अच्छी व्यथा चेतनार अनुभव से गीतर भाव पंचर निर्माण करें ठीक अच्छे तो डॉक्टर आदिकंद साहू एमती कही लोकगीत संपर्क आमको आउ मन रखापी पड़ो डॉक्टर पठाणी पट्टनायक कौन कही से कही पुरुषानुक्रमे क्षत विक्षत जीवन यही रसाल अथच सरल पद गुड़िकर अपूर्व साहित्यिक सौंदर्य उद्भासित हो उठे कवि मानकर रचना जो परिमाण में समाज सामाजिक जीवन को प्रभावित अनुप्राणित करे लोक साहित्य मध्य से ही अनुपात पल्ली संसार को आलोकित कर रखि था बोली कही ठीक अच्छे तो ये जिनस को मन रख बहुत ही इम्पोर्टाट अटे तापर आ मन रख डॉक्टर सत्येन्द्र ठीक अच्छे कौन कही से कही इटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ठीक अच्छे जो गीत लोक मानसर अभिव्यक्ति होता है अथवा लोक मानसाभास प्रतिफलित होता है से ही गीत को लोकगीत बोली कहुए कही ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तापर डॉक्टर रामन नरेश त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी कौन कही लोकगीत प्रकृतिर उद्गार से अलंकार ना केवल रस अच्छी छंद ना केवल लय अच्छी लालित्य ना केवल माधुर्य रही ग्रामीण मनुष्यर स्त्री पुरुष मध्य हृदय नामक आसन उपर बस प्रकृति गान करें प्रकृतिर से ही गान ही लोकगीत बोली किए कही डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तापर आमको कौन मन रखापी पड़ो डॉक्टर श्याम सुंदर महापात्र को मन रखापी पड़ो कौन कही जीवन रु क्षेत्र में सबु स्तर में लोकगीत गुरुत्वपूर्ण अटे बोली कही लोकगीत उभय सुख दुखर साथी आनंद आलोकर उत्स बोली कही डॉक्टर श्याम सुंदर महापात्र ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तो एमती मत दे ठीक अच्छे ठीक अच्छे एमती विभिन्न मत दे तो ये जिनस को टी आमको मन रखापी पड़ो ठीक अच्छे तापर आ कौन कौन मन रखापी पड़ो ताको आम टे देखा बर्तमान ठीक अच्छे ताको आम देखा तो लोकगीत सृष्टि विभिन्न मत जो थिला तो कुंज बिहारी दास कौन कही युवा को मन रख कहते कुंज बिहारी दास कही लोकगीत अगणित जन हृदय स्मारक कंठ कंठ यह आसे आ प्रति जुगर यह परिवर्धित हुए बोली कही ठीक अच्छे तो ये जिनस को टी देखापी पड़ो ठीक अच्छे तो आउ कौन मन रखापी पड़ो लोकगीत सबुले प्राचीनतार बाहक हो रही है ठीक अच्छे जुग जिते परिवर्तित हेले भी जिते सभ्यतार नूतन दिगंत को स्पर्श कले भी सबु जुगरे सबु कालरे लोक कवि माने
रही था आधुनिक सत्ता को टाणी नहीं था प्राचीनता मध्य को। ठीक अच्छे डॉक्टर कुंज बिहारी दास कौन कहते लोकगीत प्राचीन पुणी चीर नवीन जुगे जुगे बाहर रूपक घटातर घटले भी प्राचीन धारा अक्षुण रही बोली कहते ये जिनस मन रख। ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टाट अटे। तापर ये गुड़िक हूँ संज्ञा गुड़िक। ठीक अच्छे सब जिन देखा पड़वनी जो गोटे इम्पोर्टाट जिनस को केवल देख। ठीक अच्छे संज्ञा विभिन्न संज्ञा दे तो लोक जीवन बहुविध संघर्ष भितर हिं ये लोक कविता सृष्टि होता है। लोक कवि लोक समाज मध्य केवल आविकात्मक जीवन धारण कहे ना बर ताक जीवन सह अविरत संघर्ष करने को पड़ी था। ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टाट तो संगीतर तारल्य को अनुभव करने अनेक समय लोकगीत सृष्टि होता है। ठीक अच्छे संगीत स्वतः मनुष्य मन और हृदय को आच्छन्न करें मनीष जिते बिले निराशा गहर मजरे पड़ी जर्जरित होता है सेत बिले संगीतर मूर्छना ता हृदय शांतिर सुबी मलधारा प्रवाहित होता है। तो लोकगीत मध्यरु साधारण लोक से ही आनंद प्राप्त होता है। ठीक अच्छे तो ये जिनस को टे मन रखा पड़ो। तो लोकगीत आ विदग्ध कविता संपर्क आमको क्वेश्चन पचार पार्थक्य कौन आमको पचारे। ठीक अच्छे लोकगीत आ विदग्ध कविता ये संपर्क आम देख तो साधारण अर्थर विचार कले जो गीत लोकों द्वारा सृष्टि हुए आखर मुख को संचरित होता है ता हूँ लोकगीत। ठीक अच्छे लोकगीत कहले कौन बुझेल तो आउ गीत जड़े व्यक्ति जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा लेखनी मध्यम लिपिबद्ध होता है ता हूँ विदग्ध कविता। ठीक अच्छे मन रख बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस अटे। साधारण अर्थर विचार कले जो गीत लोकों द्वारा सृष्टि हुए आखर मुख को संचरित होता है ता हूँ लोकगीत आउ गीत जड़े निर्दिष्ट निर्दिष्ट कवि द्वारा लेखनी मध्यम लिपिबद्ध होता है कि कवि द्वारा होता है। ठीक अच्छे ताकू आम विदग्ध कविता बोली कह। ठीक अच्छे तो ये जिनस को मन रखापी पड़ो। तो उभय प्रकार कविता मध्य कितक पार्थक्य भी देखा जाए थे पार्थक्य देखा कि ना देखा तो लोकगीत विदग्ध कवितार पार्थक्य आमको पचार। ठीक अच्छे तो कुंज बिहारी दास कौन कहते ये संपर्क पार्थक्य देखिए कौन कर कुंज बिहारी दास से कहते जे कौन कहते से दिगर बुझिले लोक साहित्य विदग्ध साहित्यर जनक अक्षर उद्भावित तो होगा आगर यह मुखे मुखे चली था क्रमे लिपिबद्ध है परवर्त समय परे हुए तो यह धारू विच्छिन्न हो स्वतंत्र रीतिर विदग्ध साहित्य रचित तो है एमती कही। ठीक अच्छे एमती कही तो मन रखापी पड़ो जे पश्चिम ओडिशार किए प्रोफेसर कुमुद रंजन पाईग्राही लोकगीत आउ शिष्ट गीत मध्य गोटे मौलिक पार्थक्य संपर्क विश्लेषण करने को जाए कही लोकगीत आउ शिष्ट गीत मध्य गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य हूँ लोक मानसर प्रतिफलन बोली कहते लोकगीत गोटे प्रतिफलन अनिवार्य किंतु शिष्ट गीत यार उपस्थिति अनिवार्य नुहे एमती कही। ठीक अच्छे लोकगीत मौखिक परंपरार यहाँ सृष्टि होता है। ठीक अच्छे जो जेकोसी लोक कवि जेकोसी मुहूर्त लोकगीत सृष्टि पूर्वक गान कही था मुखर मुख ये संप्रसारित होता है किंतु विदग्ध गीत कौन सी कवि द्वारा लेखनी मध्यम लिपिबद्ध होता है ता शिष्ट पाठ बा सहृदय द्वारा पठित बा गायक होता है ताकू आम विदग्ध बोली कह। ठीक अच्छे तो प्राय तो बुझी जाइए जो विदग्ध कहले कौन आ लोकगीत कहले कौन। ठीक अच्छे तो ये जिनस को मन रखापी पड़ो। तो लोकगीत मानव जीवन अभाव को व्यक्त करा जाए थे चित्रण करा जाए ना आक कविटी जिते बिल अत्यंत आवेगपूर्ण भाव लोक समाज को देखे तांको दुख दैन्य हताश नैराश्य तार हृदय को स्पर्श करे ताकू व्यक्त करे आपणार गीत मध्य। ठीक अच्छे किंतु जदि देखिए विदग्ध कवित मानव जीवन अंकित बा
चित्रित होइथे। विदग्ध कवि साधारण जीवन दुख दैन्य को देख आपणार भावभाष आदर्श बंधन मध्य से चित्रण करे। तेणु लोकगीत प्राकृतिकता एक कवितार से स्पष्ट हो पारे ना। ठीक अच्छे, तो लोकगीत स्वर रसबोध अति सरल प्राजल। ठीक अच्छे, लोककवि जो प्रकार रस आचरण करू ही आधार कर से कविता सृष्टि कर गान करें। ठीक अच्छे, तेणु यह श्रोता प्राण को सहजरे स्पर्श करते रसर स्रोत भसाई नहीं थाए। किंतु विदग्ध गीत रस सृष्टि अनेक परिमाण तात्विक आ सतर्कतापूर्ण। यहाँ कवि सुचिंतित भाव जो परेश सृष्टि कले के प्रकार रसर प्रयोग करेंगे से चिंता करती कवित व्यवहार करते। तेणु लोकगीत अपेक्षा यही विदग्ध गीत क्षणक मध्य रस जाग्रत हो पारे ना। ठीक अच्छे, तो ये आम कौन रही पार्थक्य रही। तो लोकगीत भाषा हूँ सरल सहज सबल अधिक परिमाण में स्वच्छंद। ठीक अच्छे, किंतु विदग्ध कवित भाषा अनेक अंशे सुचिंतित गोटे बंधन मध्य आबद्ध हो। ठीक अच्छे, आकगीत लोककवि कौन कही थे जो भाषा कथा कहे जो भाषा जीवन बचे से भाषा ही से आपणार हृदय भाव को व्यक्त कै कवित। तेणु ता अति सहज भाव भली जीवन बचुवा लोक जीवन को स्पर्श करें। विदग्ध कवित लोककवि बोली विदग्ध कवि साधारण जीवन मध्य कहुवा सब प्रकार शब्द को ग्रहण कर पारती ना। ठीक अच्छे, तो कौन थे अभाव देखा जाए विदग्ध गीत रे। तो विदग्ध गीत बहुत ही सुंदर, तो ये टाइप रमको देखापी पड़ो सब जिनस। ठीक अच्छे, किंतु मेन जिनसटी कौन ताकू जाणीगले हो गला आ देखा दरकार ही ना। ठीक अच्छे, मेन जिनसटी कौन यटा को देखापी पड़ो तो मन रखापी पड़ो जे लोक कविता आ विदग्ध कविता मध्य अनेक वैषम्य देखार प्रयास करते तेबे उभय प्रकार कविता ता मौलिकता को क्षुण्ण नक मनुष्य समाज मध्य विकसित हो चली मनुष्य को सृष्टि नित्य नूतन उपादान सहित परिचित कराई मानव जीवन को रसमय संगीतमय तापर उत्तेजित उद्वेलित उच्छन्न उजाग्रत करसुंट। तेणु साहित्य विकास द्वारा उभय लोक कविता आ विदग्ध कवितार एमती हो पारे। तो लोकगीत संज्ञा संपर्क आम क्वेश्चन पचार। ठीक अच्छे, मन रखिबो। ठीक अच्छे, कुंज बिहारी दास विषय चक्रधर महापात्र राम नरेश त्रिपाठी श्याम सुंदर महापात्र आदिकंद साहू ये गुड़िक बहुत ही इम्पोर्टाट अटे। ठीक अच्छे, युड़िक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो ये जिनस ठीक अच्छे, तापर आमको पचार कौन लोकगीतर प्रकार भेद संपर्क पचार यू। ठीक अच्छे, पचार क्या पचार। ठीक अच्छे, तो ये संपर्क आम पूर्व कंप्लीट कर सारी आहरी आम बहुत करवा। ठीक अच्छे, बहुत थर करवा। ठीक अच्छे, तो आम सहित जड़ित हो रही था टेलीग्राम वीडियो तेल लिंक अच्छे जो जॉइन हो पार सर्च कर @PrepLearn1। ठीक अच्छे, @PrepLearn1 सर्च कर कौ थे सर्च कर टेलीग्राम। ठीक अच्छे, किसी स्पेस देवा दरकार ना। सुबह ये थैंक यू सो मच, परवर्त समय देखा है।